अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हजरत, मेरा सवाल ये था कि वालिदैन के साथ कुप्पी नहीं करना, मगर वैसा अनबन हो गई, दूर हो गए, बाद में पता चला दीन की कमी से सब होता है। हजरत, अगर दीन का पता होता तो ऐसा नहीं होता था। अगर वालिदैन रहे तो उनसे माफी मांग लेती। अगर वालिदैन फौत हो गए हैं तो उसका उस क्या कर सकते हैं हम वालिदैन का हक अदा करने के लिए? जी बहन का सवाल वालिदैन के हुकूक से मुताल्लिक है। वालिदैन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है, बल्कि वालिदैन के हुकूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक के मान बात जिक्र किया है। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर अपनी तौहीद का जिक्र किया और ये जिक्र किया कि अल्लाह के अलावा किसी को माबूद ना जानो, वहीं पर फौरन उसके बाद अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का जिक्र किया। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हक के साथ किसी और का हक डायरेक्ट उसके मान बात जिक्र कर रहा है, इससे आप हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस हक की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना ये हमारे ऊपर लाजमी, वाजिब और जरूरी है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी वालिद की रजामंदी में है। अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होगा। लिहाजा वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना, उनकी इताअत करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना, अच्छा मुआमला करना, ये तमाम चीजें वाजिब हैं। यहां तक कि वालिदैन को उफ नहीं कर सकते। उफ, किसी बात पर उफ कहना ये बहुत मामूली जो है बात है, लेकिन ये मामूली बात या मामूली बदतमीजी भी वालिदैन के साथ करने से मना किया गया है कि उनको उफ तक ना कहो। अगर किसी इंसान ने वालिदैन के साथ बदसलूकी किया है और उसके वालिदैन बाहयात हैं तो उसे फौरन जा करके माफी मांगना चाहिए और आइंदा जो है इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, उनके साथ आइंदा हुस्ने सुलूक करना चाहिए। अगर किसी के वालिदैन फौत हो गए हैं और उसने उनकी जिंदगी में उनके साथ बुरा व्यवहार, बुरा सलूक किया है, तो अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि वो तौबा करे अपने गुनाह के लिए और अपने वालिदैन के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करे, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करे। क्योंकि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक ना ये कि जिंदगी में है बल्कि उनके मरने के बाद भी है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद अगर उसके बच्चे उसके लिए दुआ करते हैं तो उस दुआ से उनको फायदा होगा, और ये मरने के बाद उनके साथ हुस्ने सुलूक है। तो ऐसे इंसान को अपने वालिदैन के लिए कसरत से दुआ करना चाहिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और जो है जन्नत में उन्हें उनके आला मकाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए। ये जो है उसका सबसे अच्छा तरीका है उनकी वफात के बाद उनके साथ हुस्ने सुलूक करने का। जी हजरत, वालिदैन के साथ बतावी जिक्र तो उसका अज़ाब दुनिया में ही होता है करके सुनी थी, ये सच्चा है हजरत? देखिए, उसका अज़ाब, उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन कब देगा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है। ये हम और आप तय नहीं कर सकते कि दुनिया ही में मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी उसे मुख्तलिफ तरह के की सजाओं से जो है दो चार कर सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा चाहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उसे आखरत में उसकी सजा दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत पर है और इसका ताल्लुक हमसे नहीं है। हमें ये फिक्र करने की जरूरत, हमें ये फिक्र करना है कि हमने क्या गलत किया है और हम उसकी तलाफी कैसे कर सकते हैं। उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे दे सकता है।